एक बार महाभारत का युद्ध परिपूर्ण हो जाने के बाद सभी पांडव इकट्ठे होकर के श्री कृष्ण जी के पास आए और आकर के श्री कृष्ण जी को कहा कि अब हम युद्ध में विजयी हो गए, युद्ध हमने जीत लिया और अब हमारे द्वारा जो भी पाप हुए हैं वो पाप धोने के लिए भारत की अलग अलग नदियों में, पवित्र नदियों में हम स्नान करने के लिए जा रहे हैं। श्री कृष्ण जी बड़े समझदार, बड़े सुलझे हुए इंसान थे। उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात है, आपसे इतने पाप हुए आप मानते हो और उसके पश्चात आपके मन में यह भाव जगा कि हमें अलग अलग नदियों में स्नान करके शुद्ध होना है, पापों को धोना है, अच्छी बात है, आप प्रस्थान करिए, आप निकलिए, आप जाइए। श्री कृष्ण जी से आज्ञा और आशीर्वाद लेकर के सभी पांडवों ने प्रस्थान किया। लेकिन जब जा रहे थे तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप तो स्नान करने के लिए जा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन मैं एक चीज आपको देता हूं, उसको भी स्नान करवा करके ले आना। पांडवों ने कहा क्यों नहीं, आपका काम हम क्यों नहीं कर सकते। श्री कृष्ण जी ने एक तुम्बी, पहले के समय में जो पानी भरने के लिए काम आती थी तुम्बी कहा जाता था उसको, और तुम्बी पांडवों को थमा दी, कहा कि आप जब जब भी स्नान करो ये तुम्बी को भी जरूर स्नान करवा देना। पांडवों ने कहा क्यों नहीं, हम एक बार करेंगे, इसको तीन बार करवाएंगे, जो आपकी तुम्बी। तुम्बी पांडव पूरा परिवार बड़े बड़े सभी लोगों को लेकर के पांडव निकल गए, अलग अलग तीर्थों में, अलग अलग नदियों में जाकर के स्नान आदि से शुद्ध होकर के मन का भार हल्का करके जब वापिस श्री कृष्ण जी के पास आए तो पहुंचते ही श्री कृष्ण जी ने पहले पूछा कि आपने मेरी तुम्बी को स्नान करवाया या नहीं करवाया। कहा भगवान कैसी बात करते हो, आपका सौंपा काम हम नहीं करेंगे, पहले आपका काम करेंगे, हमने बाद में स्नान किया, तुम्बी को पहले स्नान करवाया। श्री कृष्ण जी ने कहा जरा तुम्बी मुझे दिखाओ। पांडवों ने बड़े बहुमान पूर्वक वो तुम्बी श्री कृष्ण जी के हाथ में रखी। श्री कृष्ण जी ने तुम्बी को थोड़ा तोड़ा और तोड़ करके वो जो तुम्बी का छोटा सा टुकड़ा था वो मुंह में डाला और जैसे ही मुंह में डाला उसको थूक दिया, कहा अरे ये तो बहुत कड़वी है। पांडवों ने कहा कि श्री कृष्ण जी तुम्बी तो कड़वी ही होगी, वो कड़वी ही होती है, उसमें कड़वाहट होती ही है, उसका स्वाद कड़वा ही है। तो पांडवों ने जब ये बात कही तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि मुझे लगा कि गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी कावेरी नर्मदा ये सब नदियों में स्नान करके यदि आपके पाप धुल सकते हैं तो क्या कड़वी तुम भी मीठी नहीं हो सकती। पांडवों का सिर शर्म से झुक गया, कहा भगवान आपने पहले क्यों नहीं बताया हमें, हम जब जा रहे थे तब आपने हमें क्यों नहीं रोका। और तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप इतने उत्साह में थे, मैं रोकता तो भी शायद नहीं रुकते, और इसीलिए मैंने आपके साथ में मेरी तुम्बी भेजी ताकि आपको समझ में आए, आपको ज्ञात हो, आपको ध्यान में आए, आप समझ पाओ कि जीवन में जानबूझकर जो हम पाप करते हैं वो कोई गंगा स्नान से धुलते नहीं, वो तो गलती से जो पाप हो गए है वो गंगा स्नान से धुलते है, जीवन में जानबूझकर हम यदि पाप करते हैं वो समझ
सरी प्रतिक्रमण करने से धूल नहीं जाते, वो तो पूरे साल में गलती से पाप हुए हैं। उसकी धोने की प्रक्रिया समस्त सरी प्रतिक्रमण हो, चाहे गंगा स्नान की बात हो, चाहे नदियों में स्नान करके शुद्ध होने की बात हो, चाहे क्रिया के द्वारा शुद्ध होने की बात हो, लेकिन एक चीज जीवन में 100% समझ के रखना कि गलती से हुए पाप प्रायश्चित से धुले जा सकते हैं, लेकिन प्लानिंग से किए गए पाप को धोने की व्यवस्था हमारे धर्म शास्त्र में नहीं। आज के जीवन को जब देखते हैं, आज के मनुष्य को जब देखते हैं, आज के लोगों को जब देखते हैं, तो पता चलता है कि गलती से पाप तो कम होते हैं और प्लानिंग से पाप ज्यादा होते हैं। गलती से पाप हो गया कोई बात नहीं, उसको धोने की व्यवस्था हमारे शास्त्रों में है, हमारे धर्म ग्रंथों में है, लेकिन आप ये सोचो कि हम सोच समझ कर पाप करें, जानकारी होने के बावजूद भी पाप करें, ज्ञान होने के बावजूद भी रुके नहीं, समझदारी होने के बावजूद भी वो पाप के क्षेत्र में आगे बढ़े, और हम ये सोचते हैं कि गंगा स्नान कर लेंगे हमारे पाप धुल जाएंगे, संवत्सरी प्रतिक्रमण कर लेंगे हमारे पाप धुल जाएंगे, जाकर के मिच्छामि दुक्कड़म कर लेंगे हमारे पाप धुल जाएंगे, परमात्मा के सामने जाकर के मस्तक झुका लेंगे हमारे पाप धुल जाएंगे, गुरु भगवान के सामने जाकर के 2 मिनट रो लेंगे हमारे पाप धुल जाएंगे। ये गलत फहमी में मत रहना, इसीलिए हमारे शास्त्रों में लिखा गया कि प्लानिंग से किए गए पाप धुलना बड़ा कठिन हो जाता है। आप रास्ते से चल रहे हो और रास्ते से चलते चलते आपके पांव के नीचे चींटी आ गई, चींटी मर गई, ये गलती से हुआ पाप, लेकिन आपने आपके आनंद के लिए, आपके भोजन के लिए कोई जीव की हत्या कर दी, ये गलती का पाप नहीं है, ये प्लानिंग का पाप। आज आप देख रहे हो संसार में इतने भूकंप, संसार में इतनी ताराजी, संसार में इतने रोग, संसार में इतनी मृत्यु, संसार में इतनी अशांति, संसार में इतनी असमाधि, संसार में इतनी तकलीफें क्यों है? क्योंकि प्लानिंग के पाप बढ़ रहे हैं, गलती के पाप घट रहे हैं। आज का आदमी, आज का इंसान खुद के भोजन के लिए दूसरों को मारने के लिए भी सोचता नहीं है, और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, समझ लेना, गलती से चलते चलते चींटी पैर के नीचे आ गई, ये गलती का पाप है, लेकिन आपने आपके भोजन के लिए किसी को मारा, किसी की हत्या करी, किसी की हिंसा करी, ये गलती का पाप नहीं है, ये प्लानिंग का पाप। आप किसी से बात कर रहे हो और आपके मुंह से कोई गलत शब्द निकल गया, आपको फील हुआ कि मेरे मुंह से गलत शब्द निकल गया, ये गलती का पाप है, लेकिन सामने वाले को ये सुन करके दर्द होता है, सामने वाले को ये शब्द से पीड़ा होती है, सामने वाले को ये शब्द से परेशानी होती है, और फिर भी उसकी परेशानी को बढ़ाने के लिए, उसकी पीड़ा को बढ़ाने के लिए, उसके दर्द को बढ़ाने के लिए यदि आप वह शब्द उसके सामने बोलते हो जिससे उसको हर्ट होता हो, उसको परेशानी होती हो, ये प्लानिंग वाला पाप है, ये गलती वाला पाप नहीं है। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, जीवन में बड़ा सोच समझ के आगे बढ़ना, क्योंकि ये धर्म शास्त्र है, और ये धर्म शास्त्र स्पष्ट रूप से कहता है, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे दुनिया का कोई भी धर्म हो, यह स्पष्ट रूप से कहा गया है, स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि गलती से यदि पाप हुए है तो उसको धोने की व्यवस्था हमारे शास्त्रों में है, लेकिन प्लानिंग से पाप किए है उसको धोने की कोई व्यवस्था हमारे यहाँ पे। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की यूट्यूब चैनल को, और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।